हाय दोस्तों, मैं हूं प्रणय और टेकी प्रणय चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करूंगा मोटोरोला मोटो G5 प्लस की। और दोस्तों, ये फ़ोन जो है हाल ही में फ्लिपकार्ट में लॉन्च हो चुका है और ये बेसिकली एक कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है। और अगर आपकी प्राइमरी नीड्स कैमरा है तो आप इस फ़ोन को ज़रूर से खरीद सकते हैं और फ्लिपकार्ट में आपको ये इजीली अब स्टॉक में मिल जाएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में मैं इस फ़ोन की एक क्विक अनबॉक्सिंग और शॉर्ट ओवरव्यू आपको देने वाला हूँ। और बॉक्स के ओवरव्यू में चले तो बॉक्स के पीछे आपको मिलता है इस मोटो G5 प्लस की दो कलर वेरिएंट, मतलब कि एक ल्यूनर ग्रे और एक गोल्ड कलर। और बॉक्स के नीचे आपको मोटोरोला की ब्रांडिंग और कुछ स्पेसिफिकेशंस मिल जाते हैं। और अगर बॉक्स को हम खोलते हैं तो फ्लिपकार्ट का बॉक्स ओपन करने से हमें एक ग्रीटिंग कार्ड मिलती है, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये 2017 की ग्रीटिंग कार्ड है फ्लिपकार्ट की तरफ से और ये रहा हमारा फ़ोन। तो बॉक्स को साइड में रख के हम फ़ोन की तरफ नज़र घुमाते हैं। तो दोस्तों, चलिए जल्दी से इसकी क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और बॉक्स को खोलने के बाद ही हमारे पास पहले जो चीज आती है वो है खुद मोटोरोला मोटो G5 प्लस। और हमारे पास जो कलर है वो है लूनर ग्रे कलर। तो अभी फिलहाल इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें और क्या क्या चीज़ें मिलती है। हमें मिलता है पहले ये हेडफोन, और ये एक बेसिक हेडफोन है और बहुत ही चीप क्वालिटी के है। और मोटोरोला ने इस फ़ोन में भी एक अच्छी हेडफोन देने के बारे में नहीं सोचा। और ये हमारा नॉर्मल टाइप USB है और हमें इसमें टाइप सी नहीं मिलता। और उसके बाद आता है ये चार्जर, और ये एक टर्बो चार्जर है और इसकी मतलब कि इसकी रेटिंग जो है 9 वोल्ट है। और आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 5 वोल्ट 1 एम्पियर इसकी आउटपुट रेटिंग है। तो ये बहुत ही फास्ट हमारे फ़ोन को मतलब कि मोटो G5 प्लस को चार्ज करने की एबिलिटी रखती है। और बॉक्स के अंदर हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशंस भी मिलती है और एक सिम इजेक्टर टूल भी हमें इसके साथ मिल जाता है। और बॉक्स के अंदर हमें और कुछ भी नहीं मिलता, बॉक्स खाली है। और सिम इजेक्टर टूल अगर देखें तो मोटोरोला ब्रांडेड है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। तो दोस्तों, चलते हैं फ़ोन की तरफ। और फ़ोन में हमें ऊपर में एक प्लास्टिक कवर मिलता है जिसमें हमें बेसिक कुछ स्पेसिफिकेशंस मिलती है। तो इसको जल्दी से हटा लेते हैं और देखते हैं फ़ोन की तरफ। तो फ़ोन का लुक एंड फील बहुत ही अच्छा है और काफ़ी लाइट वेट है और स्लिम है। मोटो G4 प्लस से इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। और इसके ऊपर हमें मिलता है एक सिम ट्रे जो कि हाइब्रिड नहीं है, मतलब कि एक डेडिकेटेड सिम ट्रे हमें इसमें मिलता है। और साइड में हमें मिलते हैं वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन, और नीचे हमें हेडफोन जैक, माइक और USB टाइप मिलता है। और पीछे हमें मिलता है मोटोरोला की ब्रांडिंग और ये कैमरा जिसमें हमें डुअल फोकस मिलता है डुअल LED फ्लैश लाइट के साथ। और साइड में हमें कुछ नहीं मिलता लेफ्ट साइड में, और नीचे हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है और 5.2 इंच का डिस्प्ले, और सामने प्राइमरी माइक्रोफोन हमें मिलता है, स्पीकर हम इसे कह सकते हैं, और इसके साथ हमें फ्रंट फेसिंग कैमरा भी मिल जाता है और इसके साथ 5.2 इंच डिस्प्ले आता है। और दोस्तों, इसके साथ जो स्पेसिफिकेशंस है ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए इसकी फर्स्ट बूट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें फर्स्ट बूट एनिमेशंस क्या मिलती है। तो मैं दोस्तों जल्दी से इस फोन को सेटअप कर लेता हूँ और इसका फील अभी फिलहाल बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो गाइस, फ़ोन जो है सेटअप हो चुका है और इसकी टच एंड फील मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है और काफ़ी स्मूथ है, स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस है। तो चलते इसकी सेटिंग्स की तरफ और देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें कितना स्टोरेज और क्या एंड्रॉयड वर्जन मिलता है। और चलते अबाउट डिवाइस में, और इसके अंदर हमें नोगट 7.0 मिलता है जो कि लेटेस्ट है और बहुत ही अच्छी बात है। और इसकी जो इंटरफेस है हमें काफ़ी वो गूगल फ़ोन की याद दिलाता है। और इसके अंदर हमें 16 GB का स्टोरेज मिलता है। और चलते हैं इसके ओवरव्यू की तरफ। इसके सामने की ओवरव्यू आपकी स्क्रीन में है और फ़ोन काफ़ी अच्छा दिख रहा है और आप भी ये देख सकते हैं।
और फ़ोन के पीछे हमें फुल मेटल एल्यूमिनियम बॉडी मिलता है और इसका बैटरी नॉन रिमूवेबल है, मतलब कि आप इसकी बैटरी को खोल नहीं सकते। और इसके कुछ कैमरा सैंपल्स भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और इस फोटो को मैंने अपने फ्रंट फेसिंग कैमरा से खींचा था और ये कुछ इंडोर कंडीशंस में है बैक कैमरा से, और ये कुछ इंडोर मतलब कि आउटडोर कंडीशंस में है बैक कैमरा से। और बस यही दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ आपको ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। और इस फ़ोन के बारे में मैं और वीडियोस पोस्ट करूँगा, तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इस चैनल में स्टे ट्यून रहिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।